ये स्टूडेंट्स और मैं रुपिंद्र सचिन कड़ीवाल आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा जी, आज की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वो वीडियो है कि हमें इन 15 डेज में अपने आपको कैसे बैलेंस करना है, किन टेक्निक्स को फॉलो करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने कैलिबर से अपना अचीवमेंट कर सके। सो बेटा जी, 7 ईयर से टीच कर रहा हूं और मेरा भी 10th क्लास की अगर मैं बात करता हूं, मैंने 100/100 स्कोर किया था साइंस और मैथमेटिक्स में। सो बेटा, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं कि मैंने उनको फॉलो करके अपने साइंस और मैथमेटिक्स के 99 और 100 स्कोर किया। सो सेम एमसीक्यू पैटर्न था बेटा जी, सेमेस्टर की सिस्टम में 99 साइंस का और 100 मैथमेटिक्स का। ये क्या क्या कैसे कैसे हो गया, मींस हमने ऐसी क्या टेक्निक फॉलो करी है। सो बेटा जी, सारा का सारा फंडा आपका एनसीईआरटी में छुपा हुआ है, बट कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जो स्मार्ट कंक्लूजन होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है आपकी डेटशीट 30th नवंबर से स्टार्ट होगी, आपका जो एग्जाम है, ठीक है, 30th नवंबर की डेटशीट के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट एग्जाम है SST का है, तो आपके पास 2 डेज का गैप है साइंस की रिवीजन के लिए। सो बेटा 2 डेज का गैप आपके साइंस के रिवीजन के लिए एप्रोप्रिएट है, बट ये एप्रोप्रिएट उनके लिए है जिन्होंने कुछ हद तक, मींस 60-80% बिल्कुल ऐसा प्रिपेयर है कंटेंट कि हाँ एग्जाम आ गया तो ये क्वेश्चन कर देंगे बेटा जी। लेकिन उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको क्या फॉलो करना है, ये प्रिपरेशन करनी कैसे है, जो बात करते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स थी जिन्होंने मैंने फॉलो किया और ये स्कोर को अचीव किया। सो बेटा जी, डिसाइड कर लो आप सोल्जर हैं, आप स्टूडेंट नहीं है। ये 15 डेज की प्लान में आप प्लेज ले लीजिए कि आपने स्टूडेंट की तरह नहीं रहना है, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपका बुखार है, ये क्या है, मैरिज में जाना, फंक्शन है, नहीं। अगर आपको स्टडी करना, सोल्जर की तरह लड़ जाइए। ये एग्जाम सिर्फ आपके लिए है, ये आपका अचीवमेंट आपके लाइफ टाइम काम आने वाला है बेटा जी। अगर आप देखेंगे ना 10th के DMC देखेंगे तो वो आपका लाइफ टाइम एक कार्ड बन जाता है कि हाँ यहां से स्टार्ट हुआ है। मीन्स अचीवमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो 10th क्लास होता है आपका, और वहीं पर अगर आपने स्कोरिंग डाउन कर दिया तो आप सोचिए कि आपने एक स्टेप को मिस कर दिया। तो बेटा सोल्जर बन जाइए, स्टूडेंट के बहुत जो एक्सक्यूज होते हैं ना वो सारे के सारे छोड़ दो, पीछे छोड़ा उसे, वो टाइम जा चुका है जहां पे आपने मजे भी किए हैं, बट ये मजे करने का टाइम नहीं है, ये है प्लान करने का टाइम। तो बेटा सबसे पहले अपनी स्टडी का प्लान कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि डेटशीट के अकॉर्डिंग आपके पास ये डेटशीट है, ठीक है, और इस डेटशीट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये जो 14 और 15 डेज बचे हैं तो इसमें आपने स्टडी को प्लान करना है। और बेटा प्लान करने का तरीका क्या, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपने एक ट्रायंगल मेथड को फॉलो करना है। इस ट्रायंगल मेथड में आप क्या करेंगे, लाइक मैं साइंस की बात कर रहा हूं तो आपके जो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, लाइक मैं एक चैप्टर की बात करता हूं केमिस्ट्री की, ठीक है, मान लीजिए केमिस्ट्री का आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है चैप्टर फर्स्ट का, तो आप यहां पर लिख लीजिए कि चैप्टर फर्स्ट आपका पूरा क्लियर है, इसे ग्रीन कलर के हाईलाइट करिए कि आपका कंप्लीट हो चुका है। ये इसलिए बेटा जी ताकि आप जब रिवाइज करेंगे इन 2 डेज के गैप में तो आपको पहले एक माइंडसेट होगा कि ये मेरा प्रिपेयर है, इसे सिर्फ जरा ओरल रीडिंग लेनी है फ्रॉम अपर साइड, मतलब ऊपर ऊपर से देखना है। उसके बाद एक येलो पार्ट में आप रखेंगे वो टॉपिक्स जिसको आपने कंप्लीट किया है, बट एज सच आप श्योर नहीं है कि वो पूरे तरीके से कंफर्म कर लेंगे आप, मीन्स उसके अगर MCQ आए तो शायद आप डाउट में ले जा सकते हो, मीन्स आपका 60-100% है, वो पूरे प्रिपेयर नहीं है, सेमी प्रिपेयर है। एंड लास्ट में आप रेड कलर के जोन में रखेंगे उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स को जिसमें आपके बिल्कुल डाउट है, जो आपको लग रहा है कुछ डिफिकल्ट पार्ट में है, लाइक फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट होते हैं न्यूमेरिकल है और आपकी बार पावर और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको उसमें डाउट है तो यहाँ पे टॉपिक भी स्पेशल मेंशन कर सकते हैं या अलग से एक कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पे लाइट चैप्टर मेंशन कर दीजिए 60% से लेस में, रेड कलर कर दीजिए कि ये आपको टॉपिक सबसे पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। त्याग दो बेटा जी सारा समाज और सारे मोबाइल। बेटा जी सबसे बड़ी जो बीमारी है ना ये मोबाइल होती है, ठीक है, जितने इसमें फेसबुक आ गए, इंस्टाग्राम आ गए, आपकी फ्रेंड्स की व्हाट्सएप पे चैट आ गई, ठीक है, तो सबसे पहले इसको छोड़ दो। आपका यूज करने के लिए, आपको इसको यूज करने के लिए अभी टाइम होगा, बट इस टाइम पे आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, कोई पार्टी शादी कुछ नहीं अटेंड करना, सिर्फ ये आपके जो 12 आवर्स इन अ डे देने हैं वो सिर्फ आपकी स्टडी को देने हैं, सिर्फ आपने ये 12 आवर्स और आपकी 7 आवर की जो स्लीप है ये होना चाहिए। आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करके थोड़ा लैब स्टडी कीजिए, ठीक है। अगर आप टायर्ड होते हैं तो लैब लीजिए 25 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, ठीक है। इससे क्या होता है हमारी बूस्टिंग रहती है और हम बूस्ट रहते हैं और हमारा प्रोग्रेस भी 30% इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को छोड़ देना है, ठीक है। चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा बिकॉज ये मोटिवेशन हमें मोटिवेशन देगा आपके नए डाउट सेशन के लिए। बेटा मैं एक चीज टेक्निक जो मैं जब 10th क्लास में था ना तो एक चीज फॉलो करता था और वो क्या था, 10 कदम। मतलब मैं हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन निकाल लेता था और वो 10 क्वेश्चन ऐसे होते थे कि मुझे जो लास्ट के जो 10 ईयर के जो प्रीवियस पेपर होते थे ना उसमें आया हुआ है, ठीक है। लास्ट के 3 ईयर के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते थे उनको मैं डबल स्टार मार्क कर लेता था कि ये क्वेश्चन तो मुझे करने ही करने हैं।
लास्ट 7 ईयर के जो क्वेश्चन थे उसमें मैं 1 स्टार मार्क करता था कि ये क्वेश्चन कैसे टॉपिक से रिलेटेड है और इसे किस तरीके से घुमा के दिया एग्जामिनर ने, तो उन क्वेश्चन को मार्क करके मैं उसका एक पूरा सैंपल बना लेता था, हाईलाइट कर लेता था बुक के अंदर ही। ठीक है, तो यही आपको करना है सारा का सारा। ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से निकालने हैं कि जो आपको लगता है कि बिल्कुल श्योर है कि ये इंपॉर्टेंट है या इसमें डाउट है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा, 10 कदम मैथमेटिक्स साइंस और इंग्लिश का आपके लिए, सिर्फ आपके लिए आएगा। ठीक है, ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें आप श्योर, आप मतलब आपको उस 10 क्वेश्चन से डेफिनेटली वो क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। बात करते हैं डिवाइड एंड रूल का। ये मैं आपको बेटा पहले ही बता चुका हूं कि टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, तो ऐसे नहीं है अगर मैं बात करता हूं 15 डेज की तो बोलूंगा कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, वो सोचेगा कि 5 सब्जेक्ट, ठीक है, 15 डेज, तो डिवाइड करके वो 3 डेज एक सब्जेक्ट के लगाएगा। ठीक है, अगर 12 घंटे स्टडी कर रहे हैं तो 36 आर एक सिंगल सब्जेक्ट, बेटा बहुत ज्यादा है। अगर आप एक सब्जेक्ट को एक बार में स्टडी कर रहे हैं तो वो बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा बेटा, अच्छा नहीं है, अनफेयर हो रहा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट करने हैं, मतलब एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे और ऐसे ही टाइम टेबल बनाना है डेट शीट के अकॉर्डिंग। जैसे आपकी ये हिंदी और इंग्लिश है, इसको आप स्टार्टिंग के मतलब आप जो डेट चल रही है 15, 16, 17 में डाल सकते हैं इस सब्जेक्ट को। उसके बाद कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है क्योंकि कैलकुलेशन होती है, तो मैथमेटिक्स को सबसे ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, उसके बाद साइंस के न्यूमेरिकल्स होंगे, टर्म्स फॉर्मूला होंगे, तो उससे पहले आपका मतलब एग्जाम से 30th को अगर आपका एग्जाम स्टार्ट है तो इससे पहले के जितने भी 5-6 डेज है उसमें साइंस और SST को मैच करके प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरीके से बेटा जी चलना है आपको, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, डेली टाइम 12 आवर्स का देना है, प्रैक्टिस सेट करना है, कोशिश करना है कि अगर जो भी सब्जेक्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप रिवीजन नोट्स में ले रहे हैं उसके कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करने हैं। अगर आपने साइंस और मैथमेटिक्स को चूज किया है तो एक प्रैक्टिस सेट साइंस का और एक मैथ का डेली आपको सोल्व करना है, वहां से आपको बहुत अच्छा हिंट मिल जाएगा कमिंग क्वेश्चन के लिए। अच्छा, जितने भी हाई स्कोरिंग और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था 10 कदम में वही रखने, आपको जितने हाई स्कोरिंग, और हाई स्कोरिंग का मतलब है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड बन रहे हैं, तो उनको बेटा जी हाईलाइट करके प्रैक्टिस करना, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूं तो प्रेसिपिटेशन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और इस बार भी चांसेस हैं कि 90% चांस है इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही, तो ये आपको हमारे 10 कदम में राउंड में मिलेगा। ठीक है बेटा जी, मैथ एंड साइंस के जितने फॉर्मूलाज है बेटा जी कभी भी पेपर में आपके पास फॉर्मूलाज नहीं मिलेंगे, तो हमेशा प्रैक्टिस रखिएगा। जितने ट्रिग्नोमेट्री के आपके फॉर्मूलाज हैं, साइंस में आपके फॉर्मूलाज हैं, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, और स्पेशली साइन कन्वेंशन पे जो न्यूमेरिकल आएगा गलत यहां करेंगे तो वो गलती आपने, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये गलती आपके पास आएगी, इसको करेक्ट कर लीजिए बिफोर गोइंग टू एग्जाम। सो ये सारा का सारा बेटा जी आपको एक पेज बनाना है जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अगर आपको तब भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कीजिए, ये फॉर्मूलाज और कंटेंट मैं प्रिपेयर करके लिए आपके लिए आऊंगा। तो ठीक है, चलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।